कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA 2 की टीम ने 1470 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। इसकी कीमत करीब 15 लाख बताई जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए CIA 2 प्रभारी निरीक्षक मलकीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नशा तस्कर संदीप अंबाला से ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब राजस्थान ले जा रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया और इस टीम ने नाकाबंदी कर आरोपी संदीप को काबू कर लिया और ट्रक की जांच में 1470 शराब की पेटी ट्रक से बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर जांच शुरू कर दी है। ठीक नाम का व्यक्ति है, वो अपने ट्रक में राजस्थान नंबर पर है, वो उसमें भारी मात्रा में शराब लोड करते और उसको मुनाफा कमाने की नीयत से, अधिक मुनाफा कमाने की, आगे बेचने जा रहा है। तो उस पर नाकाबंदी करके हमने पिपली के नज़दीक उसको राउंड अप किया टीम गठित करके, और उससे ट्रक के अंदर शराब रिकवर हुई है और शराब को लेबर की मदद से काउंट करके तकरीबन 1470 पेटी शराब की इंग्लिश वाइन है वो बरामद हुई है, जिसमें टोटल 17,640 बोतल जो हैं ये टोटल रिकवर हुई हैं इसको, और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें आगे कहाँ से शराब लाया, कहाँ पर इसने लेके जाने की और पहले इसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, वो सारा जांच का विषय है जो अभी उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने और रिमांड लेने के लिए गए हैं। तो कहाँ पकड़े गए थे? ये पिपली से। मार्का क्या है? जी टी रोड। मार्का है ये बेस्टो देसी इंग्लिश वाइन है, इंग्लिश वाइन है बेस्टो के नाम से। आगे जा रही है? जी, ये आगे जांच जा रही है। कितने आरोपी पकड़े? इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि अभी नाम रिमांड पे देखते हैं क्योंकि ड्राइवर ट्रक पकड़ा जी। इसमें हमने एक अलग मामला है अफीम का है, उसमें तीन आरोपियों के पजेशन से 1 किलो अफीम हमने बरामद की है, जो राजस्थान के कोटा से अभी उन्होंने प्रीमियरली जांच में बताया कि लेकर आए हैं और उनको गिरफ्तार करके उनको रिमांड पे लिया और आगे इनको लेके जाया जाएगा और जहां मेन जहां से सप्लाई लेके आते हैं वो है, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाए। तो कितने लोग हैं इसमें? फिलहाल 3 लोग हैं और तीनों भेवा के रहने वाले हैं। तो कोई गाड़ी से आएंगे? नहीं, ये बाय पहले ट्रेन और फिर वहाँ के बस से आएगी और ये भी GT रोड के नज़दीक हमने कहा। तीसरा मामला क्या? तीसरा मामला 3 दिन पहले झांसा रोड पे रात के समय में PNB बैंक का ATM है जो अज्ञात व्यक्तियों ने उसको उखाड़ने का प्रयास किया, उसको तोड़ के उसमें जो कैश वगैरह था निकालने का प्रयास किया, लेकिन कैश तो उसमें बच गया था। तो जो उसमें FIR दर्ज हुई थी, जांच को आगे बढ़ाते हुए अपनी सोर्सेज लगाकर और CCTV फुटेज का रोल का खंगाल के वहाँ पे उसमें 3 जो दोषी थे वो वारदात को अंजाम देते पता चला था। उनको हमारी टीम गठित करके SP साहब के दिशा निर्देश पे उनको उनमें से 2 व्यक्तियों को काबू किया गया, काबू करके उनको पुलिस रिमांड उनका लिया गया है। तीसरा व्यक्ति है जो उसको भी उम्मीद है कि आज शाम तक उसको काबू कर लिया जाएगा। कहाँ का है बंदा वो? ये 2 व्यक्ति तो रहने वाले हैं लोकल शहर के झांसा रोड के पास के और एक बिहार का। पहले भी ऐसी घटना को अंजाम देने को वो उसमें अभी जांच जारी है, आगे देखते हैं जांच में क्या रहता है क्या होता है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।